देखिए 100% हम लोगों ने धरातल पे काम किया है, जनता के मोट को नब्ज को पांच भापा है, 520 बूथ हैं, 236 पोलिंग रही है, एक एक बूथ पर हम खुद, हमारी टीम, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, सब लोग जहां जिसका वजूद वर्चस्व रहा, सब लोग अपने अपने वोटरों के बीच में जाकर के वोट दिलाने का काम किए हैं। और मजे की बात आपको बता दूं कि मुसलमान खुद बीजेपी को वोट किया है, यादव भी बीजेपी को वोट किया है प्रत्याशी के रिएक्शन में। अब सपा कह रही है, हम किस मुंह से, सपा अपनी जबानत बचाने के लिए राजनीतिक जीवन में पहली बार प्रोफेसर रामगोपाल जी गांव गांव जाके गिड़गिड़ा रहे थे कि दे दो राजभर, दिला दो राजभर, वोट दे दो राजभर, ये घूम घूम के गाना गा रहे थे प्रोफेसर रामगोपाल। और 22 के चुनाव में एक भी सभा में अखिलेश जी शिवपाल जी को कहीं नहीं ले गए और उनको भेज दिया कि जाओ गांव गांव अलग जगाओ। खुद पहली बार अखिलेश जी भाई इलेक्शन में हेलीकॉप्टर से गए और 10 जिले को लेके भीड़ जुटा के सभा करके लौट आए, तो अपनी जबानत बचाने के लिए परेशान। और इंडिया और भारत के नाम को जो लेकर चर्चा चल रही, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, संविधान में भी भारत सब दिया हुआ है, तो क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए 1949 से लेकर के और 2023 के बीच अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी पहली बार प्रस्ताव लेके आई थी कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया जाए, पहली बार कांग्रेस ने शुरू किया। उसके बाद दर्जन भर नेताओं के बयान प्रस्ताव सदन में आए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब सदन में थे उन्होंने भी इस प्रस्ताव को लेके सदन में आए थे कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया जाए। तो ये पता नहीं है विरोधियों को ना, विरोधियों के काम को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर पाए, अब उस सबको चीड़ हो रही है बेमतलब का। अरे भाई आप ही का तो काम कर रहे हैं मोदी जी, कहाँ दूसरे का काम कर रहे हैं, क्यों परेशान हो?